बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाला ये मैंगो एगलेस केक। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले एक बड़े साइज़ का आम लिया है और इसको छील कर कट कर लिया है। आप देख सकते हैं गुठली मैंने इसकी अलग कर दी है। अब मैं इसको जूसर ब्लेंडर में डालकर बिल्कुल इसका पेस्ट बना लूंगी और इसी के साथ मैं इसमें हाफ कप चीनी ऐड कर रही हूँ और इन दोनों को पीस लेंगे। गाइस ये जो है हम मैंगो ग्लेज बना रहे हैं इससे, इसलिए हमने जो है मैंगो और चीनी को जो है पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए हमने पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करा है। इसी तरह हम रोक रोक के चलाएंगे और इसका एक बारीक सा बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये पेस्ट जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब मैंने जो है एक अदद फ्राई पैन लिया है और फ्राई पैन अभी चूल्हे पे नहीं रखा है। इसमें ये मैंगो का पेस्ट हम ऐड कर देंगे और अब मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है इसको रख दिया है चूल्हे पे और तकरीबन 3 मिनट हम इसी तरह मुस्तकिल चलाते हुए इसको पकाएंगे। गाइस ये जो है मैंगो ग्लेज को पकाना ज़रूरी है ताकि ये जो है इसमें थोड़ी चमक आ जाए और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो गाइस तकरीबन 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। हमारा जो ग्लेज है वो तैयार हो चुका है। अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है तो ये जब तक ठंडा होता है तो गाइस हम दूसरा काम कर लेते हैं। मैं इसको एक बाउल में निकाल दूंगी छोटे से ताकि ये ठंडा हो जाए, तो इस पर मैं कवर लगा देती हूँ। तो चलिए गाइस हम दूसरा काम कर लेते हैं। मैंने एक जूसर ब्लेंडर को धो लिया है और अब हम इसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे। अब मैं इसी के साथ इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। ये 1/2 कप चीनी है और चीनी ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 कप जो है दूध ऐड कर रही हूँ। और आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा कि दूध जो है गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही वो फ्रिज का होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए। ये चंद ड्रॉप जो है हम इसमें वनीला एसेंस की ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइस इसको अच्छे से ब्लेंड करना है जब तक कि चीनी का दाना जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। हमें जब तक ब्लेंड करना है, चीनी जो है अच्छे से पिस चुकी है इसके साथ और अब जो है मैंने इसको मशीन पे से उतार लिया है। तो गाइस ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। और अब हमें जो है एक काम और करना है। मैंने एक बाउल लिया है और इसके ऊपर छन्नी रख दी है और इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा और मैदे के बाद जो है इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। और जितना मैदा होता है बेकिंग पाउडर भी इसी हिसाब से लिया जाता है। और बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून। ये देखिए गाइस मैंने पहले 1 टीस्पून डाला है फिर हाफ डाला है इसमें। और अब हम इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से छान लेंगे। इसको छानना ज़रूरी है ताकि जो मैदे में जो है एयर आ जाए और हमारे जो केक है बहुत ही अच्छा बने। और ये देखिए गाइस ये दोनों चीज़ें छन चुकी हैं। अब हमने जो दूध और ऑयल वगैरह को चीनी को फेंट के रखा हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद हमें बहुत ही एहतियात से जो है इसको मिलाना है एक ही साइड से। आप देख सकते हैं मैं कितनी एहतियात से इसको मिला रही हूँ और एक ही साइड पर हमें घुमाना है और बहुत जो है इसमें ताकत नहीं लगानी है। बहुत ही हल्के हाथ से इसको घुमाना है ताकि हमारा केक जो है बहुत ही अच्छा फ्लफी और बहुत ही ज़बरदस्त फूले और अच्छा बने। ये देखिए गाइस मैंने जो है किस तरह इसको मिला रही हूँ। ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें जो है 1/3 कप इसमें और दूध ऐड कर दिया था। ये देखिए गाइस इस तरह का होना चाहिए आप लोगों का भी बैटर। और अब हम मैंगो ग्लेज जो हमने बना कर रखा हुआ था 4 टीस्पून हम इसमें वो ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस और अब इसको भी हम इसी तरह बहुत एहतियात से मिला लेंगे। गाइस यहाँ पे आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैंगो ग्लेज जो हमने बनाया है ये बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होना चाहिए जब हम इसमें मिलाएंगे। ये देखिए गाइस मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है और अब मैंने जो है एक केक टिन पहले ही ग्रीसिंग करके इसको बटर पेपर वगैरह लगा कर रख लिया था ताकि जो है हमें वेट ना करना पड़े। और ये देख सकते हैं आप लोग अब मैं सारा का सारा इसमें बटर जो है ट्रांसफ़र कर दूँगी। और इसको ट्रांसफ़र करने के बाद गाइस हम जो है फ़ौरन इसको बेक करने के लिए रख देंगे क्योंकि जो हम बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं तो इसमें हमें जो है ज़्यादा इसको मिलाना भी नहीं चाहिए और इसको वेट पे भी रखना नहीं चाहिए। फ़ौरन बेकिंग के लिए रख देंगे ताकि ये जो है बहुत अच्छे से बेक हो जाए केक। ये देखिए गाइस मैंने जो है इसमें से एयर जो है इस तरह से निकाल दी है और इसको थोड़ा सा टैप भी कर दिया है। और अब मैंने जो है एक पतीला अपना जो है पुराना इसको हीट पर रख दिया था पहले से ताकि ये प्री हीट हो जाए अच्छे से। और इसमें एक प्लेट रख दी है छोटी, बहुत सी बहनों के पास रैग नहीं होता है तो इसलिए मैंने आज छोटी प्लेट रख के आपको बेकिंग करके दिखाऊंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं आता। ये देखिए मैंने एक जो है भारी बर्तन रखा है इसके ऊपर और स्टील का बर्तन जो है ज़रूरी है ताकि इससे ऊपर भी कलर आए। ये देखिए गाइस तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और आप लोग देख सकते हैं
कि हमारा केक कितना ज़बरदस्त फूला है। और अभी जो है इसमें थोड़ा सा बैटर आ रहा था, आप देख सकते हैं, तो मैंने जो है दोबारा से इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था ताकि ऊपर से कलर भी आ जाए। 5 मिनट हो गए थे और हमारा केक जो है बेक हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसमें ऊपर भी। और अब देखें ये बिल्कुल क्लियर आई है हमारी स्टिक। तो अब मैंने जो है चूल्हे को बंद कर दिया है। मैं आपको इसको पतीले में से निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, अभी जो है ये पूरा ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन हम जो है इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे ताकि इस पे से जो बटर पेपर है वो हम हटा सकें। अभी भी ये गर्म है तो एहतियात से आप लोग भी इसको जो है हटाइएगा बटर पेपर को। और जो है आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो है प्लेट भी रख सकते हैं पतीली के अंदर। और आप देखें कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आया है नीचे से भी, और ऊपर से हमने जो स्टील का बर्तन इस पर ढका था भारी, तो उसकी वजह से ऊपर से भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त इस पर कलर है और कितना ज़बरदस्त ये केक बना है। आप देख सकते हैं बग़ैर अंडों का ये जो केक है बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही सॉफ्ट था और बहुत ही जालीदार था। मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है ऊपर से ताकि ये जो है थोड़ा सा हमें प्लेन मिल जाए, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। और ये देखिए गाइस, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त इसमें जाली बनी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट ये केक है। ये देखिए गाइस, मैंने 2 टेबलस्पून जो है शुगर को थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया है और इसमें जो है मैंने येलो फूड कलर ऐड करा था क्योंकि मैंगो केक बना रहे हैं, तो मैंने इसमें सोचा कि येलो कलर ऐड कर दूँ ताकि इसमें थोड़ा सा जो है मैंगो का कलर आ जाए, अच्छा लगे ये देखने में। और ये देखिए हम इसको जो है और ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए ये ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसके भी कर सकते हैं। अब मैंगो ग्लेस हमने जो बना के रखा था वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। आप लोग ये किसी की सालगिरह में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त केक बना था और बग़ैर जो है क्रीम के, बग़ैर अंडों के, आप देख सकते हैं हमने घर में कितनी आसानी से और कितना ज़बरदस्त और कितना बड़ा केक तैयार करा है। ये तकरीबन 1 पाउंड का केक है। आप लोग जो है इसको घर में किसी की भी बर्थडे पे बना सकते हैं। और जो हमने ऊपर से कट करा था उसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, उसको टी केक के तौर पे हमने जो है उसको बच्चों को दिया था और मैंने भी खाया था, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था वो। आप लोग टी केक के तौर पर भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने जो है इस पर अच्छे से ग्लेस लगा दिया है और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका लुक लग रहा है। अब मैंने जो है चॉकलेट सीरम लिया है, इसको मैंने छोटी सी शॉपर में ऐसे डाल लिया था ताकि इसको हैंडल करने में आसानी हो। इसको हम बिल्कुल बारीक सा कट करेंगे कोने पे से और इस पे जो है इस तरह से लकीरें लगाएंगे। बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्त ये केक जो है बना था। आप देख सकते हैं डिज़ाइन भी कितना ज़बरदस्त बना है इस पे। तो गाइस, अगर आप लोग चाहें तो इस तरह से किसी का नाम भी इस पे लिख सकते हैं और हैप्पी बर्थडे भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी जो है हमारे घर में किसी की बर्थडे नहीं थी तो मैंने इस तरह से बहुत ही सिंपल जो है इस पे डिज़ाइन बना दिया था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए गाइस, मैं किस तरह जो है इस तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर इस तरह से चॉकलेट की जो है लकीरें लगा रही हूँ। ये देखिए गाइस, आप लोग टूथपिक वगैरह से भी इस तरह से एक साइड से ऐसे आप फेरें टूथपिक और एक दूसरी साइड से इस तरफ से, तो डिज़ाइन देखें आप कितना सिंपल और कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। ये देखिए गाइस, कितनी सिंपल और घर की चीज़ों से हमने कितना ज़बरदस्त एगलेस मैंगो केक तैयार करा है। गाइज, अगर आप लोग ये किसी को खिलाएंगे तो वो यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने ये घर में एगलेस बनाया है। हमारा केक जो है तैयार हो चुका है, मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, माशाल्लाह से हमारे केक का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइज, ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सबसे लास्ट में, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो बार बार देखने को मिले। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।